You can see the members of Model Avionics Club. They all are industrialists and are hobby. So get ready to feel the ground rush and listen to the song of rebels as we present to you the Southern Helicopter Disco Team. Continuing with the introduction, co-pilot of Saturn 1 is Sun Leader Abhijit. Abhijit has... Ben! Ben! Hello! Ben!
मैं आपको सबसे पहले सारंग हेली सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ये वायुसेना की एक अव्वल दर्जे की और इकलौती हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है आज की तारीख में और दुनिया के बाकी एयरफोर्सेस के मुकाबले भी चार हेलीकॉप्टर की मिलिट्री टीम जो है वो ये इकलौती टीम है। इस ये टीम ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो एक भारत में बना हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हेलीकॉप्टर है इसे फ्लाई करती है और इस टीम का उद्देश्य यह है कि वो देश की जनता वायुसेना के बारे में जानकारी दे और देश के जो युवा लोग हैं उन्हें वायुसेना अलग अलग कैपेबिलिटी में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा उद्देश्य इस टीम का यह है कि जिस हेलीकॉप्टर जो भारत में बना हुआ है इसकी जो कैपेबिलिटी है इसको दर्शाएं और अपनी जो डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री है इसकी भी कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने लेके आए। हम हर जगह जाते हैं, देश के कोने कोने में डिस्प्ले करते हैं, स्कूल के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से और बाकी नागरिकों से मिलते हैं और उनमें ये एक देश प्रेम की भावना जागृत करने की कोशिश है और वायुसेना ज्वाइन करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करना हमारा उद्देश्य है। क्या क्या देखा आपने? आई एम ईशा एंड आई लाइक दिस शो, आई एंजॉयड हियर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस शो एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन एयरफोर्स। थैंक यू। और बच्चे, बच्चे क्या यहाँ पे क्या देखा और कैसा फील हुआ? This was amazing show. There were spectacular moments. This was unbelievable. And the science did good. And I'm inspired by this show and I'll truly become an Air Force officer. Thank you. तेरा Air Force Station आदमपुर में जो Air Force Station आदमपुर ने जो organize किया है यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं flying and static display. This is in connection with the continued celebration on occasion of 81st anniversary of the Indian Air Force. ये anniversary थी हमारी 81st anniversary on 8th October. But उसके celebrations continue कर रहे हैं। तो आज जो हमने organize किया है वो flying part जो आपने देखा वो था सारंग helicopter display team का, that you saw the display, plus we had some aero modeling also which happened. उसके बाद में ये आपके इस साइड पे जो ऑर्गेनाइज्ड है ये सारा इसे जैसे हम बोलते हैं स्टैटिक डिस्प्ले। स्टैटिक डिस्प्ले में हम अपना मटेरियल और इक्विपमेंट जो कि शोकेस करते हैं जो कि एक्चुअली ऑपरेशंस में यूज होता है और पूरा स्पेक्ट्रम हमारे ऑपरेशंस का, जैसे कि आपके पास ग्राउंड बेस्ड सर्विसेज भी हैं, ग्राउंड बेस्ड सर्विसेज जो कि हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होती है, जैसे क्रैश फायर टेंडर है सबसे सडन जो भी आया एयरफोर्स में, और मिसाइल बेस्ड इक्विपमेंट, ठीक, मिसाइल स्क्वाड्रन में यूज होता है, एयरक्राफ्ट वी हैव द MiG-29 एंड द प्रीमियर फाइट एयर डिफेंस फाइटर Su-30 MKI इज ऑल्सो देयर, मल्टी रोल फाइटर, देन हमारे गरुड़ स्पेशल फोर्सेस उनका इक्विपमेंट भी डिस्प्ले पर है। तो ये अब सारी चीजें शोकेस इसलिए करी गई हैं कि एक तो सेलिब्रेशन ऑफ द एयरफोर्सेज 81st एनिवर्सरी, प्लस इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन मोटिवेशन, इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन मोटिवेशन फॉर आवर फैमिलीज ऑल्सो एज वेल एज फॉर ऑल पर्सनल, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी कि एक्चुअली हम लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं। सारंग जिस तरह से उन्होंने बढ़िया डिस्प्ले किया तो दे ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द क्राउड
एंड प्रोवाइड अ विजुअली स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले एज यू सी. यूथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है इनफैक्ट. जैसे आपने उनकी कमेंट्री में सुना, हमारी सारंग डिस्प्ले टीम में तो एक ऐसे पायलट है जिन्होंने 9 साल पहले डिस्प्ले देखा, मोटिवेट हुए और आज तो उस डिस्प्ले टीम का पार्ट है. एज अ स्कूल चाइल्ड ही सॉ इट द डिस्प्ले टीम. ही इज देयर इन दैट टीम. यू कैन ऑलवेज हैव अ वर्ड विद हिम अबाउट इट. सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड टू पीपल ओवर हियर एट दिस एरिया.